हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्सी बिट्सी मॉम। तो आज के जो क्राफ्ट वीडियो है, यस, हम आज जो क्राफ्ट बनाने वाले वो बहुत ही सिंपल है, इजीली अवेलेबल चीज़ों से बनी हुई है। कौन सा पता है? पुराने न्यूज़पेपर से। तो आप सोच रहे होंगे क्या बना रही हूँ। आज मैं आप सबके लिए क्यूट सा एलिफेंट बना रही हूँ। हाँ, मुझे एलिफेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, क्योंकि मैं जब भी डेकोर आइटम्स खरीदती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं कोई एलिफेंट वाला ही, जैसे फ्रिज मैग्नेट खरीदा तो एलिफेंट वाला, देन बाकी भी क्यूट क्यूट डेक, मुझे एलिफेंट डेकोर बहुत क्यूट लगता है। तो आज मैं एक क्यूट सा एलिफेंट बनाने वाली हूँ, वो भी पुराने न्यूज़पेपर का यूज़ करते हुए। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह, कितने सिंपल वे में एक क्यूट सा एलिफेंट बनाया जिसे हर कोई बना सकता है। तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैं स्टेप्स बना तो लेती हूँ बट जब उसे मैं डिस्क्राइब करती हूँ तो वर्ड्स सही नहीं हो पाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्राफ्ट। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले पुराने कार्डबोर्ड पर मैं एलिफेंट का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगी और उसे कट कर लूँगी। देन मैं पुराने न्यूज़पेपर की मदद से बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर को लूँगी और उसको स्क्रम्बल करते हुए मैं ये एलिफेंट के स्ट्रक्चर को बनाऊँगी। आप मेरा ये वीडियो टोटली आप देखते रहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं स्टेप्स बना तो लेती हूँ बट उसे जब डिस्क्राइब करते हैं तो सही वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखते रहिए, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस समझ में आ जाएंगे। तो इस पुराने न्यूज़पेपर से मैं ये एलिफेंट का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाऊंगी और उसे मास्किंग टेप की मदद से अच्छी तरह से सिक्योर करूंगी। आप ज़्यादा से मतलब थोड़ा मास्किंग टेप ज़्यादा यूज़ कीजिए, बिकॉज हम सारे पेपर स्क्रम्बल्स करके लगा रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा मास्किंग टेप नहीं देंगे तो हो सकता है वो खुल जाए। तो इसलिए आप अच्छी तरह से मास्किंग टेप से सारे पीसेस को स्टिक कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैं एलिफेंट का बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अब मैं उसके ट्रंक को बनाऊँगी। उसके लिए भी मैंने एक न्यूज़पेपर को लिया, उसे क्रम्बल करके मैं उसके ट्रंक के साइज़ में कट करके उसे लगा दूँगी। ये हमारे एलिफेंट का जो अपर बॉडी स्ट्रक्चर है वो बन गया। अब हम एलिफेंट का लेग्स बनाएंगे। उसके लिए भी मैं पेपर को स्क्रम्बल करके उसे मास्किंग टेप की मदद से बॉडी के साथ स्टिक कर दूंगी। अब मैं वॉल पुट्टी या फिर पीओपी का मिक्सचर लीजिए, पीओपी ग्लू और वाटर का एक सेमी सॉलिड मिक्सचर बनाऊंगी और उससे पूरे एलिफेंट को कवर करूंगी और उसे सूखने के लिए रख दूंगी। अब मेरा एलिफेंट ड्राई हो गया, अब मैं उसे पेंट करूंगी। मेरे पास इस कलर का एक्रेलिक कलर था नहीं, इसलिए मैंने चॉक पेंट का यूज़ किया है। आप चाहे तो एक्रेलिक कलर से भी इसे पेंट कर सकते हैं। फिर आप अपने कलर, चॉइस ऑफ कलर्स कॉम्बिनेशन में अपने एलिफेंट को पेंट कीजिए, उसको डेकोरेट कीजिए। आप चाहे तो आप, मैंने जिस तरह किया वो भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने चॉइस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन में भी इस एलिफेंट को पेंट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अब एलिफेंट के टूज को बना रही हूँ, उसके आइज़ को भी बना दिया। अब फिर मैंने कार्डबोर्ड से दो ईयर कट कर लिया और उसे पेंट कर लिया, और फिर हॉट ग्लू की मदद से उसके दो ईयर्स को मैं स्टिक कर रही हूँ, जो हमने एलिफेंट बनाया ना उसके कान को लगा रही हूँ। और इस तरह हमारा ये पेपर मैच एलिफेंट बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए,
कैसा लगा आप सबको मेरा क्यूट सा एलिफेंट? क्यूट है ना, मुझे भी बड़ा क्यूट लगा। और बनाना कितना सिंपल है आपने देखा, तो आप इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए और बनाकर देखिए और कैसा लगा, बनने के बाद कैसा दिख रहा है, क्या है, सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको मेरे क्राफ्ट आइडियाज़ और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वो बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो शेयर करूँ आपके पास नोटिफिकेशन साथ ही साथ पहुँच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। कल फिर मिलते हैं एक नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।